हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए मैं घर पे हूँ, काम चल रहा है। ये टाइल्स का काम कंप्लीट हुआ है, समझ लीजिए 10% बाकी है, तो वो कल हो जाएगा। ये रूम है, इधर एक खिड़की है, बहुत छोटा सा जगह में घर बन रहा है। ये मंदिर है, मंदिर में टाइल्स लग चुका है वॉल में, और ये फ्लोर में भी इधर अभी बनेगा अच्छा से, ठीक है। और मंदिर के यहाँ मंदिर, फिर एक बीच में खिड़की है, और ये देखिए किचन का टाइल्स लग चुका है। कैसा लग रहा है जरूर से बताइएगा, हमको अच्छा लगेगा, ठीक है। किचन छोटा सा बना है, मैं दूर से दिखाती हूँ। ये देखिए इधर मंदिर है, बीच में अंदर से गैप है, फिर किचन है इधर, हाँ। और ये मेरा बेडरूम बनेगा इधर। ये सीढ़ी ऊपर जाता है, सीढ़ी ऊपर में रूम है तितली के लिए, स्टडीज के लिए, और ये ड्राइंग रूम के लिए सोचा है मैंने, ठीक है। अभी तो इतना पता नहीं चलेगा, पर टाइल्स लग चुका है इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं सोची नहीं थी कि मैं टाइल्स लगा पाऊंगी, खुद से सिंगल हूँ, सब कुछ खुद से करना पड़ता है मैनेज, लेकिन ऐसा हुआ कि बजरंगबली का बहुत कृपा है मेरे ऊपर। तो बजरंगबली ने कुछ ऐसा चमत्कार किया है कि मुझे टाइल्स कहीं से मैं ला पाई हूँ, जो मतलब इंस्टॉलमेंट में मुझे मिला है, तो इसलिए मैं कर पाई हूँ एक्चुअली। क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है टाइल्स में, टाइल्स का, फिर सीमेंट बालू ये सब भी बहुत लगता है, मसाला बहुत देना पड़ता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ना फ्लोर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, फ्लोर एक्चुअली ये छत जो ढलाई हुआ था ना, ये अच्छा से ढलाई नहीं हुआ था, तो फिर इसमें हमको एक बार दोबारा मसाला देना पड़ा था, तो उसको पूरा तोड़ना पड़ा, तो तोड़ के फिर से किया, तो फिर से फिर भी बताइएगा। लेकिन एक बात है, ज़िंदगी में ना कुछ भी आप चाहो आप खुद ही कर सकते हो, किसी का ज़रूरत नहीं है, किसी का भी नहीं, आप अकेले हर काम कर सकते हो, एवरीथिंग, अगर आप चाहो। लेकिन अगर आप सोचते रहोगे ना कि मुझे वो उसने हेल्प नहीं किया, मुझे उसने हेल्प नहीं किया, तो फिर मुश्किल है, वो क्वेश्चन में ही टाइम पार हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच लोगे ना कि मैं खुद अकेले ही सब कुछ कर पाती हूँ, कर पाऊँगी, ये जो कुछ भी बना है ना मैंने खुद से किया है, और खुद से मीन्स भगवान का सहारा था बहुत ज़्यादा, हमेशा भगवान मुझे मतलब हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं मुझे, मतलब क्या बताऊँ मैं, मुझे मेरे साथ ही चलते हैं बजरंगबली हमेशा, कुछ भी बात होती है मैं उनको ही बताती हूँ, और बहुत ज़्यादा मुझे ठाकुर का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है, मैं यही बोलूँगी। क्योंकि नहीं तो एक सिंगल, मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, एक मेरा सिर्फ डांस क्लास ही है, उसी डांस क्लास से ही मैं सब कुछ करती हूँ, वो भी कहीं पर मेरा मतलब विदाउट एनी लोन, बिना लोन लिए मैंने ये सब कुछ किया है, तो अच्छा तो लग रहा है। बस अभी आप लोग जरूर से बताइएगा ये छोटा सा घर मेरा कैसा लगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग बताने से। और ये खिड़की है, इधर बाहर पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब घर बन जाएगा ना, तो डांस क्लास नीचे में चले होते रहेगा, और अगर कोई बच्चा रोता भी है तो मैं उसे ऊपर ले आऊँगी घुमाने के लिए, और बच्चे को मैं, मेरा घर कहीं और है अभी, मैं रेंट पे रहती हूँ, तो बच्चों को जब लेट होता है ना लेने आने, तो फिर मुझे फ़ोन करना पड़ता है, तो ऐसा होगा कि बच्चों को लेट से आने से भी मुझे अच्छा ही लगेगा, मैं मेरे साथ बैठा के रखूँगी। बस मुझे बच्चों से बहुत प्यार है ना, मेरे स्टूडेंट्स सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरी बेटी को भी वो लोग पसंद है, तो हम लोग इधर में खेलेंगे। और मैंने तो अपने बच्चों को प्रॉमिस किया है, जिस दिन फर्स्ट डे हम यहाँ पे शिफ्ट होंगे ना, उस दिन सारे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, वन नाइट स्टे करेंगे, और रात भर हम लोग मूवी देखेंगे, ऐसा मैंने सोचा है। सबका परमिशन भी होना पड़ेगा, अब मुझे लगता है परमिशन तो मिलेगा ही, क्योंकि बच्चे खुद ही बहुत क्रेज़ रहते हैं मेरे लिए। अभी तो फॉल सीलिंग मैं नहीं लगवाऊँगी, क्योंकि वेस्टेज नहीं करूँगी मैं जहाँ तक है। चलिए ऊपर भी ले चलते हैं, ऊपर में भी एक रूम है, ऊपर में मैंने टाइल्स नहीं लगाया है, क्योंकि हुआ नहीं मेरा एक्चुअली पॉसिबल। और यहाँ पे मैं कारपेट लगा दूँगी, ये भी एक रूम है देखिए, अच्छा सा बड़ा है ये रूम भी, ये मैंने एक्स्ट्रा रूम रखा है तितली का एक्चुअली स्टडीज़ के लिए, अभी तो इसमें सामान वामान पड़ा हुआ इतना अच्छा सा, वो समझ में नहीं आएगा,
ये है, यहाँ भी एक खिड़की है, और ये फ्रंट में ना ये छत, ये छत में मैंने जगह छोड़ दिया, फ्रंट साइड में बहुत जगह छोड़ दिया मैंने कि फूल वूल लगा सके। ये देखिए ये मेरा छत है, इसमें टीना में लगवाऊंगी क्योंकि कभी पानी पानी वानी ज़्यादा हुआ तो इसलिए। यहाँ भी खिड़की है देखिए, यहाँ पे तितली का पढ़ाइयों का, और मेरा जो घर का डायरेक्शन है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ईस्ट में है ये, मतलब कुछ भी मेरे लिए बहुत इजी हुआ करना कि मंदिर भी ईस्ट में मैंने रख पाया, मैंने स्टडी टेबल के लिए भी इधर ही मैं करूँगी। तो ये मेरा ऊपर का रूम है, अभी सीलिंग लगाना बाकी है ऊपर, ये सब काम चलेगा। मतलब वही बात है, अगर आप चाहते हो ना आपको कुछ करना है, कि मुझे कुछ करना है, किसी का भी सहारा नीचे, बस भगवान जी का नाम लीजिए। कोई कोई होता ना एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, उसने मेरे लिए वो नहीं किया, कोई किसी का ज़रूरत नहीं है, किसी का नहीं। आप सोचो, बस सोचो कि काम कैसे होगा और करना है, बस इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पर आपको खुश होना पड़ेगा, छोटा में कम में खुश होना पड़ेगा। मुझे महल का तो मुझे शौक नहीं था, मुझे मेरा इतना सही घर के लिए मुझे सपना था कि मेरा अपना एक घर हो बस। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करिएगा कि कैसा लगा मेरा फ्लोर टाइल्स लग चुका है जो, कल मैं अच्छा से दिखाऊंगी आप लोगों की, कल फिनिशिंग काम होने वाला है। बाय बाय, लव यू।